नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। यू तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है लोगों की जहन में कि अगर देश में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इस वक्त में अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो वो देश को कैसे संभालते, क्योंकि इस वक्त में जीडीपी माइनस में है, कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर मनमोहन सिंह जी अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश को कैसे चलाते, क्या वो उपाय करते जिसके जरिए कोरोना पर वो काबू पाते, क्या वो उपाय करते जिसके जरिए वो अर्थव्यवस्था को बाहर लेकर के आते। ये सवाल लोगों की जहन में उठ रहा है और इस सवाल का कहीं ना कहीं जवाब भी मिला है, जिसमें एक पत्र लिखा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी जी के नाम पर एक लेटर लिखा है। और उस लेटर में उन्होंने 5 बिंदुओं का जिक्र किया है। 5 बिंदुओं के जरिए ये समझाने की कोशिश की है मोदी जी को कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए इस समय पर, संकट के समय पर देश को किस चीज की आवश्यकता है, आप क्या उपाय अपना करके देश को बाहर ला सकते हैं इस संकट से। ये कहीं ना कहीं रूपरेखा मोदी जी के लिए मनमोहन सिंह ने तैयार की है। इस पर बीजेपी का क्या रुख रहा, क्या बीजेपी मनमोहन सिंह के जो उपाय हैं उनको मान रही है या बीजेपी नहीं मान रही है, वो आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उपायों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, वो आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये लेटर दिखाते हैं। ये लेटर आपको दिख रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा एक लेटर लिखा है, इंग्लिश में लेटर लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद ये वेबसाइट के ऊपर आप जाकर के पढ़ सकते हैं। इस लेटर में 5 अहम बिंदु है और उनको सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे अहम बिंदु जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि आने वाले 6 महीने के लिए वैक्सीन का ऑर्डर तैयार रखें। ये उन्होंने पहली बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आने वाला 6 महीना उसके लिए आपके पास में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, पीछे 6 महीने पेंडेमिक थोड़ा ठीक हो गया था तो उस वक्त में हमने उतनी तैयारी नहीं की, अभी हमारा सारा ध्यान कोरोना को रोकने के ऊपर था, हम इसमें तैयारी नहीं कर सके। ये आप नहीं कहकर के बच सकते हैं। आपको आने वाले 6 महीने के लिए आप किन किन लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, कितनी कितनी वैक्सीन लगाएंगे, इसका एक ऑर्डर अभी से तैयार करके रखिए। ये पहली सलाह डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। दूसरी चीज, दूसरा उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के साथ पारदर्शिता बरते, भेदभाव ना करें। ये मनमोहन सिंह का अहम सुझाव है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी अपने बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा पैसा दे रही है, चाहे वो जीएसटी की बात हो, जीएसटी कलेक्शन में भी यही बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही थी कि बीजेपी जीएसटी के नाम पर भी भेदभाव कर रही। लेकिन यहां पर मनमोहन सिंह ने कहा है कि आप राज्यों के साथ में पारदर्शिता बरतिए, आप राज्यों से बताइए ईमानदारी के साथ में कि कितनी वैक्सीन है और किस किस अनुपात में हम किस किस राज्य को कितनी कितनी वैक्सीन दे रहे हैं, इसमें आप भेदभाव मत करिए। कांग्रेस का राज्य है या फिर अकाली दल की सरकार है या ममता की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, इस तरह से आप मत करिए। जितना बड़ा राज्य है उसको उसी अनुपात से वैक्सीन दीजिए। ये उनका दूसरा बिंदु रहा। तीसरा बिंदु इसमें रहा मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी में, वो रहा कि राज्यों को ज़्यादा अधिकार दे, इसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगेगा, ये सीमा खत्म होनी चाहिए। ये दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक सीमा तय की हुई है, उस सीमा के तहत जो है वो अभी ये चल रहा है कि 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ही वैक्सीन लगेगा। और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी वो भी चिट्ठी लिख करके कह चुकी है कि 25 साल, इस उम्र को घटा करके 25 साल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ा युवा तबका है और युवा तबके को आप वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कोरोना की ये दूसरी लहर, इस दूसरी लहर में जो सबसे ज्यादा मौतें हो रही है वो सबसे ज्यादा मौतें हो रही है नौजवानों की, 45 साल से कम उम्र के जो आयु के लोग हैं उनकी सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। इसलिए मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि आपको जो ये समय सीमा आपने लगा करके रखी हुई है, इस समय सीमा को आप खत्म करिए। ये मनमोहन सिंह की तरफ से अहम तीसरा सुझाव रहा। चौथा उन्होंने कहा है कि हम ज्यादा वैक्सीन बना रहे हैं। देखिए, बड़ा दिल भी दिखाया है मनमोहन सिंह जी ने, बड़ा दिल भी दिखाया है उन्होंने, एक तरह से इस बात को कहकर के, इस पॉइंट को कहकर के उन्होंने प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा वैक्सीन बना रहे हैं और उसको विदेशों को भेजना भी पड़ता है क्योंकि इस तरह के नियम कायदे होते हैं। लेकिन
और कंपनियों को वैक्सीन बनाने का भी लाइसेंस दे। ये देखिए सोच, देखिए आप मनमोहन सिंह जी की सोच को आप देखिए कि उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रशंसा की है कि आप ज्यादा वैक्सीन बना रहे हैं, अगर दूसरे देशों की तुलना करें तो हम ज्यादा वैक्सीन बना रहे हैं, सच है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि आपको और कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए लाइसेंस देना होगा, क्योंकि जिस अनुपात में हमारे देश में जनसंख्या है, ऐसे में हम ये खुशी मना करके घर पर बैठ जाएं कि हम दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा संख्या में वैक्सीन बना रहे हैं। तो आपको इस बात को भी समझना होगा कि दूसरे देशों की जनसंख्या कितनी है और हमारी जनसंख्या कितनी है, ये भी आपको समझना होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि और कंपनियां, अभी केवल भारत में दो वैक्सीन बनाई जा रही है, उन्होंने कहा कि और कंपनियों को भी आप लाइसेंस दें और कंपनियां भी वैक्सीन बनाएं, इससे हम कहीं ना कहीं पूरे देश को वैक्सीन लगा पाएंगे। ये प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस बात पर जोर रहा। और उसमें पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा है, आपको वैक्सीन के आंकड़ों पर नहीं बल्कि प्रतिशत देखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका देखिए, ये उनकी दूरदर्शिता देखिए, वो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हमने इतने लाख या इतने करोड़ वैक्सीन लगा दिए हैं, आपको इस बात को नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि हमने 10% लोगों को अभी वैक्सीन लगाया है या 20% लोगों को वैक्सीन लगाया है। चूंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इस बात को दिखा करके और लोगों को ये बात बता करके, हमने 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया, 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया, 10 करोड़ को लगा दिया, 20 करोड़ को लगा दिया, ये बात कहकर के आप वहां वही मत लूटिए। आप ये देखिए और इस बात पर अपना फोकस रखिए कि हमने देश की कितनी जो जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लगाया है। आप इस बात को देखिए, इस बात को देखिए कि 10% अभी हमारा टारगेट है या 20% अब हमारा टारगेट है, 50% टारगेट है, इस तरह से आप प्रतिशत को देखिए। ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से कहा गया। लेकिन देखिए, ये जो सुझाव है, कोई भी सामान्य समझ का जो व्यक्ति है वो कहेगा कि हाँ, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने सही सुझाव दिए हैं, जिसने 10 साल तक देश को चलाया, जिसमें 10% पर हमारी GDP थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर जवाब आया। और जवाब में क्या कहा इन्होंने, जवाब में इन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही इससे सबक लेना चाहिए। एक तरह से उन्होंने खिल्ली उड़ा दी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक तरह से उन्होंने खिल्ली उड़ा दी। और खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ही इससे जो है सबक लेना चाहिए, और कांग्रेस अगर आपके बातों को मान ले तो फिर जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, ये देश के ऊपर एहसान होगा। इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से कही गई है, और ये बार बार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का जो है वो काम बीजेपी की तरफ से अब किया जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो चिट्ठी लिख दी उसका जवाब कैसे दिया जाए। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पी चिदम्बरम की, और पी चिदम्बरम साहब से जब ये पूछा गया कि आप देश के वित्त मंत्री रहे हैं, आप बताइए कि GDP को कैसे उभारा जाए, तब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का क्या बयान था वो सुनिए। उन्होंने कहा था कि पहले आप ये बताइए कि मोदी सरकार क्या मेरे सुझावों को मानना चाहती है, उसके बाद में मैं अपने सुझाव दूंगा। ये पी चिदम्बरम ने कहा, वो भी कांग्रेसी नेता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और बिना पूछे उन्होंने अपनी समझ से 5 अहम बिंदु जिनको लेकर के मोदी सरकार को काम करना चाहिए, 5 अहम बिंदु दिए, लेकिन किस तरह से मोदी सरकार उनका खिल्ली उड़ा रही है। अब आप अपनी समझ से बताइए कि जो बिंदु डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखे हैं, क्या आपको लगता है कि कोरोना से लड़ने में ये मददगार साबित होंगे? क्या आपको लगता है कि इनके द्वारा हम कोरोना से देश को उभार पाएंगे और मोदी सरकार को वाकई इन बिंदुओं को मानना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये बिंदु समझ करके आपको क्या समझ में आता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।